लिए मैं शमशान महारानी की आत्मा की शांति के लिए आइए समदन गाइए। तो सब समदन गा वापस समदन खइबो हेलो पचन दो भात। हेलो 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 आइए चलते हैं प्यारा सा समदन की ओर। बिछुरा हो साताजू बिछुरा हो साताजू बिछुरा बेटा बसंत के पिता श्री बेटा श्री के इस वक्त शमशान घाट से तुम दोनों भाई अपने हाथों से मां की दास संस्कार करके वापस लौटे हो। अब यहां से चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ अपने महल और अपनी माँ की याद अपने दिल से निकाल दो। चलो अपने महल की ओर चलते हैं। जब राजमहल में माँ थी तो हम दोनों भाई को बहुत प्यार करते थे। कहीं से भी आते थे तो माँ की गोद में बैठ जाते थे। परंतु अब उस राजमहल में माँ ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि जिस स्थान पर मैं अपने माँ का दाह संस्कार किया उसी शमशान घाट पर बैठकर अपना प्राण त्याग दो। नहीं मेरे लाल, क्या फिर प्राण त्यागने से तुम्हारी माँ तो वापस नहीं लौट सकती है? परंतु पिताजी, क्या उस राजमहल में अब माँ का प्यार मिल सकता है? बेटा सीते, बेटा बसंत, पिताजी इस मानिकपुर शहर में जिस महल की बात तुम दोनों भाई कर रहे हो उस महल में मैं तुम दोनों भाई को माँ का प्यार तो नहीं दिला सकता हूं, लेकिन मैं तुम दोनों भाई को वचन देता हूं कि इस महल में माँ और पिता दोनों का प्यार मैं दूंगा। और इस मानिकपुर शहर में तुम दोनों भाई जहां जहां पांव रखेगा
उस जगह पर मैं अपने दिल को निछावर कर दूंगा। कभी तुम्हें कोई चीज का कभी नहीं महसूस नहीं होने दूंगा सीज। लेकिन तुम दोनों भाई कभी अपने आंख से आंसू मत गिराना। अगर तुम दोनों भाई इस संसार में आंख से आंसू गिरा दिया, समझ लो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा। नहीं पिताजी, हाँ मेरे लाल, जब आप कह रहे हो तो मैं अपने हृदय में धीरज बांध ले। पिताजी चल मेरे बेटे, पिताजी